गिरमानी मोड़ पर अनियंत्रित होकर ऑटो पलटा, 3 घायल, 1 की मौत। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के गिरवानी गांव के पास शनिवार की शाम एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया था। इस घटना में 4 लोग घायल हुए थे। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान बीती रात मानिकपुर गांव के रहने वाले रामस्वरूप यादव उम्र 40 वर्षीय ने दम तोड़ दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के मानिकपुर के रहने वाले महेंद्र यादव ने बताया कि उसका बड़ा भाई रामस्वरूप यादव गाँव के कुछ लोगों के साथ ऑटो में सवार होकर गाँव की और वापस आ रहा था। इसी दौरान गिरमानी गांव के पास पुलिया पर ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मैंने अपने भाई रामस्वरूप यादव को शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रात्रि में उपचार के दौरान रामस्वरूप यादव की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? मानिकपुर कहाँ पड़ता है? ये घटना क्या हो गई? घटना वही मतलब ये इसी गिरमानी में थोड़ी सी साइड क्या हुआ? पुलिया गया मतलब ये भाई साहब और मतलब 2-4 लोग आ रहे थे टैक्सी में, तो मतलब लोग वहाँ से निकल आए और जे आगे मतलब राम जाने के इसका मतलब मुझे कुछ पता नहीं है। मैं बाद में उन्हें फ़ोन लगाया था, तब तक गाड़ी पलट गई, तब मैं आया तो उसमें कुछ पैसा था फोन गाड़ी भैया लेके चले गया। ऑटो पलट गई? हाँ। कौन सी जगह पे? मतलब पुलिया के थोड़ा सा जा तरफ चबूतरा बने हैं। जगह कौन सी है? जाटा बने के चबूतरा बने हैं। अच्छा, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है सॉरी गिरमानी। क्या नाम था भैया का? फिर क्या खत्म हुआ है? उम्र कितनी होगी? 40